पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही प्रत्याशियों से साक्षात्कार कर उनको परखने के लिए मुरादाबाद प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने सिविल लाइंस इलाके के एक होटल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि मेयर कैंडिडेट के साथ ही नगर पालिका नगर पंचायत के प्रत्याशी फाइनल करने हैं। उन्होंने कहा नगर निगम और नगर पंचायत से वार्ड मेंबरों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के करीबी अहमद को मेयर टिकट देने की हिमायत को उन्होंने खारिज कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ने के सवाल पर सिद्दीकी ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम हर सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान से कांग्रेस नेता सचिन पायलट के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बेहतर जानते हैं, यूपी से बाहर के मामलों में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। वही तैयारी देखने तो आया हूँ, मेयर के कैंडिडेट फाइनल करने हैं, नगर पालिकाओं के नगर पंचायतों के अध्यक्षों के प्रत्याशी फाइनल करने हैं और इसको हमको हर हालत में कल तक आउट कर देना है। और जो भी हमारे मेयर के नीचे जो वार्ड पार्षद हैं उनके कैंडिडेट नगर पालिकाओं के नगर निगम के वार्डों के कैंडिडेट और नगर पंचायत के वार्डों कैंडिडेट भी हमारा प्रयास होगा कि कल हम पहली सूची जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको जारी कर दें। जो कुछ दो चार रह जाएंगे वो अगले दिन हम इसको जारी कर देंगे। जो राज्य सांसद है प्रतापगढ़ जी, उनके करीबी को मेयर का टिकट देने की चर्चा है शहर में जोरों के साथ, कोई अहमद खान साहब करके एक नाम चल रहा है, क्या क्या सिफारिश से टिकट मिल रहे हैं, एक चर्चा है, मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ। क्या फैसला हो गया और सिफारिश करना पार्टी के हर पदाधिकारी का हर वर्कर का अधिकार है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने किसी की, मुझे नहीं मालूम है, आप बता रहे हैं मुझसे इमरान प्रतापगढ़ी जी से किसी अहमद जी के बारे में या किसी जी के बारे में कोई बात नहीं हुई, उन्होंने मुझसे नहीं कहा है, आप चाहें तो पूछ लें, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद भी वो कहीं अगर सिफारिश कर रहे हैं तो भी मुझे नहीं मालूम है। और सिफारिश अगर वो कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या कोई कर रहा है, मैं बांदा के लिए मान लिया करता हूँ, तो ये मेरा अधिकार है, ये वर्कर का अधिकार है, सिफारिश करना, फैसला लेना कमेटी को है। और जिस कमेटी को फैसला लेना है उस कमेटी में इमरान प्रतापगढ़ी जी भी हैं, मैं भी हूँ। अभी विधानसभा चुनाव होकर निपटा है, एक साल हुआ है, कांग्रेस का कितना मतलब ग्रोथ कितनी है वोटिंग में, तो सॉरी जितना वोट कितना बढ़ा है, ये तो इसके गिनती के बाद पता चलेगा ना। अभी 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 से अभी अभी कोई हमने तैयारी की, हम हर सीट जीतने के लिए लड़ेंगे, बाकी जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ है, ये चलता रहता है, हम हर सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। राजस्थान पे एक सवाल करना चाहिए, सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पेनल्टी डालने के उसमें सचिन पायलट कि वो इस तरह का कभी दूसरी बार कर दिया, आप किस तरह देखते? देखिए साहब, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, मुझे नेशनल की राजनीति के बारे में नहीं मालूम है। और ख़ास तौर पे इधर दो चार दिन से जब से ये अनाउंस हुआ है नगरी निकाय का चुनाव, तो मैं उसमें कभी सहारनपुर, कभी मेरठ, तो कभी रामपुर, तो आज मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद तीसरी बार आया हूँ 10 दिन के बीच में, तो मैं वो सुना मैंने भी है कुछ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सवाल यह है कि कांग्रेस का अगर कोई लीडर इस तरीके से कोई काम करता है तो क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके का अपनी सरकार पार्टी के देखिए देखिए विरोध अलग चीज हो गई, मतभेद अलग चीज है, मत भिन्नता अलग चीज है। अगर किसी में मतभेद है वो अलग बात हो गई, मत भिन्नता हर घर में होती है, अगर मन भिन्नता है तो बैठ करके सुलझा लेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।